हाय गाइस, वेलकम टू एंड्रियो बैटल सगाई। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको टॉप 5 बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर गेम्स के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपको काफी तगड़े और काफी यूनिक गेम्स देखने को मिलने वाले हैं। मतलब इन सभी गेम्स के अंदर आपको ओपन वर्ल्ड एरिया देखने को मिलेगा, काफी हद तक काफी तगड़ा एडवेंचर देखने को मिलेगा। बाकी आपको कुछ गेम्स के अंदर शूटिंग भी देखने को मिलेगी, मतलब काफी इंटरेस्टिंग गेम्स रहने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि भाई आपको सारे के सारे गेम्स लाजमी पसंद आएंगे। बाकी भाई इन गेम्स के अंदर आपको अच्छी स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेगी, मतलब काफी इंटरेस्टिंग गेम्स रहने वाले हैं। बाकी अगर आपके पास एक मतलब लो एंड डिवाइस है या अच्छी डिवाइस है, मतलब सभी डिवाइसेस के लिए मैंने इस वीडियो के अंदर गेम्स रखे हैं, तो भाई आपको मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आप वीडियो को लाजमी एंड तक देखना। बाकी अगर आपको कोई भी इन पांचों गेम से गेम अच्छा लगता है यार, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। बाकी चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें फर्स्ट पोजीशन पर गेम आते हैं, इस गेम का नाम है वर्चुअल रिकॉन। इस गेम पर जो साइज है वो 5.5 GB के आसपास देखने को मिल जाता है। बाकी भाई गेम पूरी तरीके से आपको ऑनलाइन देखने को मिलने वाला है। इस गेम के अंदर आपको काफी अच्छी शूटिंग देखने को जाती है, साथ में काफी तगड़ा एडवेंचर देखने को मिल जाता है। बाकी भाई गेम के जो ग्राफिक्स है वो भी आपको काफी हद तक तगड़े देखने को मिल जाते हैं। अगर आपकी डिवाइस पे 4GB रैम है तो भाई आप इस गेम को लाजमी ट्राई करना, क्योंकि इस गेम के अंदर आपको काफी अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। डिफरेंट किस्म के अलग अलग किस्म के मतलब वेपन देखने को मिल जाते हैं, और भाई गेम के जो ग्राफिक्स हैं वो तो मेरे को काफी अच्छे लगे। बाकी इस गेम के अंदर आपको डिफरेंट किस्म के ड्रैगन, साथ में एलियन, जिनके साथ भाई आप फाइट करोगे और एंड तक मतलब सर्वाइव करोगे, और अच्छी स्टोरी लाइन भी इस गेम के अंदर देखने को मिल जाती है। अलग अलग किस्म के चैलेंज देखने को मिलेंगे, मतलब काफी इंटरेस्टिंग गेम है। मतलब काफी बड़ा ओपन एरिया आप एक्सप्लोर करोगे, तो आप इस गेम को लाजमी ट्राई करना। मुझे कमेंट सेक्शन में भी लाजमी बताना ये वाला गेम आपको कैसा लगा। दोस्तों इसमें सेकंड विषय पर गेम आता है, इस गेम का नाम है होर, और इस गेम के अंदर भी आपको काफी तगड़ा एडवेंचर देखने को मिलने वाला है। इस गेम का जो साइज है वो आपको 1.5 GB देखने को मिलने वाला है। बाकी भाई गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन देखने को मिल जाता है। इस गेम के जो ग्राफिक्स हैं मतलब काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं इस गेम के साइज के हिसाब से। बाकी ये वाला गेम थोड़ा सा ओल्ड है, लेकिन इस गेम की जो स्टोरी लाइन है ना वो आपको काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाती है। मतलब काफी इंटरेस्टिंग गेम रहने वाला है। गेम के अंदर मतलब आपको काफी मजेदार एडवेंचर देखने को मिल जाएगा। इस गेम के अंदर भी आपको मतलब डिफरेंट किस्म के अलग अलग चैलेंज देखने को मिलेंगे, ओपन वर्ल्ड एरिया देखने को मिल जाएगा, डिफरेंट किस्म के एलियंस के साथ, साथ में आपको डिफरेंट किस्म के एनिमल्स के साथ भाई आप फाइट लोगे इस गेम के अंदर भी। मतलब काफी तगड़ा एडवेंचर देखने को मिल जाएगा इस गेम के अंदर भी। बाकी ग्राफिक्स तो आप चेकआउट कर सकते हो, हालांकि ये वाला गेम पुराना है, लेकिन इसके बावजूद भाई इस गेम के ग्राफिक काफी यूनिक है। आप इस गेम को लाजमी ट्राई करना, आपको लाजमी पसंद आएगा। दोस्तों इसमें थर्ड पोजीशन पर गेम आता है, इस गेम का नाम है आयो अरेन टेल। इस गेम के अंदर आपको एक गर्ल देखने को मिल जाती है, जो कि भाई अपनी फैमिली को बचाने के लिए पानी लेके आती है कहीं दूर दूर से। मतलब काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन इस गेम की देखने को मिल जाती है। बाकी इस गेम के साइज के बारे में बात की जाए तो इस गेम का जो साइज है वो आपको तकरीबन 383 MB के आसपास देखने को मिल जाता है। बाकी भाई गेम पूरी तरीके से आपको ऑफलाइन देखने को मिलने वाला है। इस गेम के अंदर भी आपको काफी तगड़ा एडवेंचर देखने को मिलेगा, काफी अच्छे अच्छे मतलब ग्राफिक्स इस गेम के अंदर, मतलब काफी अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी भाई गेम की स्टोरी लाइन मेरे को तो काफी अच्छी लगी। बाकी मैं अगर इस गेम की सारी स्टोरी लाइन इधर ही बता दूं तो भाई गेम का मजा कम हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि भाई आप इस गेम को अगर प्ले करोगे तो आपको मतलब काफी मजा आने वाला है इस गेम को प्ले करने में। बाकी आप इस गेम को लाजमी प्ले करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी लाजमी बताना कि भाई इस गेम के ग्राफिक्स आपको कैसे लगे। दोस्तों इसमें फोर पोजीशन पर गेम आता है, इस गेम का नाम है एनिमल एडवेंचर डाउनहिल। इस गेम का जो साइज है वो आपको जस्ट 71 MB के आसपास देखने को मिल जाता है। बाकी भाई ये वाला गेम आपको पूरी तरीके से ऑफलाइन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये वाला गेम आपको एक रनिंग टाइप गेम देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको तकरीबन 200+ मिशन देखने को मिल जाएंगे। और भाई एक रनिंग टाइप है जिसके अंदर आपको अलग अलग किस्म के मतलब एडवेंचर देखने को मिलेगा। मतलब काफी इंटरेस्टिंग गेम है, और इस गेम के अंदर मतलब आपको अनलिमिटेड एडवेंचर देखने को मिलेगा। काफी इंटरेस्टिंग गेम है और एक अच्छा टाइम किलर गेम रहने वाला है। अगर आप एक अच्छा टाइम किलर गेम ढूंढ रहे हो तो भाई आप इस गेम को लाजमी ट्राई करना। दोस्तों इसमें 5 पोजीशन पर यानी कि आज की वीडियो का लास्ट गेम आता है, इस गेम का नाम है रे मैन एडवेंचर। इस गेम का जो साइज है वो आपको जस्ट 34 MB के आसपास देखने को मिल जाता है। बाकी गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन रहने वाला है। इस गेम के अंदर आपको 2D ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, काफी इंटरेस्टिंग गेम रहने वाला है। इस गेम के अंदर ना आपको काफी मजे के मतलब मिशन देखने को मिल जाएंगे, जिनको आप कंप्लीट करोगे मतलब काफी इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स के साथ काफी अच्छा गेम देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आप एक लो एंड डिवाइस मतलब आपके पास है तो भाई आप इस गेम को जरूर ट्राई करना, आपको काफी मजा आएगा। बाकी भाई मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि भाई इन पांचों गेम में से आपको सबसे ज्यादा कौन से वाला गेम अच्छा लगा। बाकी भाई वीडियो को लाजमी लाइक करना और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ। बाकी अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करना, क्योंकि आपके दोस्तों को भी पता होना चाहिए अच्छे अच्छे एडवेंचर गेम्स के बारे में। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरा यूजर नेम है उजैर अब्बास ऑफिशियल_। थैंक्स फॉर वॉचिंग।